हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत पौधों के बाहरी संरचना जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे पौधा का बाहरी संरचना में क्या आएगा, पौधा को जमीन से उखाड़ेंगे तो हमको जड़ दिखाई पड़ेगा, तना दिखाई पड़ेगा, पत्ती दिखाई पड़ेगी, हमें फूल फल, हालांकि बीज फल के अंदर होता है लेकिन कि हम बीज को भी बाहरी संरचना ही मान के चलते हैं। पौधा का आंतरिक संरचना का मतलब होता है कि तना को काट दिए और काट करके उसके तना के अंदर के ऊतक को, टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम पौधा का आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन बस एक पौधा को बस ज़मीन से उखाड़े, हमको क्या दिखा, जड़, तना, पत्ती, फूल फल तो दिखता है लेकिन फल के अंदर में हमको बीज देखने के लिए मिलेगा। तो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज का अध्ययन करना ही कहलाता है मॉर्फोलॉजी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो हम बोलेंगे कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के बाहरी संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। और बाहरी संरचना में क्या क्या आएगा, तो बाहरी संरचना में आएगा जैसे कि जड़, इंग्लिश याद रखना है, रूट, तना, स्टेम, पत्ती, लीफ, फूल, फ्लावर, फल, फ्रूट और बीज यानी कि सीड। सबका इंग्लिश याद कर लेना है। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के बाहरी संरचना जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। आ गया समझ में। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है। पौधा का जो भाग भूमि के अंदर रहता है, जमीन के अंदर जो भी भाग रहता है उसी को कहते हैं रूट सिस्टम, और पौधा का जो भाग जमीन के ऊपर रहता है उसको कहते हैं शूट सिस्टम। पौधा का वह भाग जो भूमि के अंदर रहता है उसको कह देंगे रूट सिस्टम, और पौधा का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है उसको बोल देंगे शूट सिस्टम। एक चित्र बनाए हुए हैं और इसमें अभी सभी पार्ट्स का नाम लिख देते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पौधा है, इसमें हमको जड़ दिखाई पड़ रहा है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, ये सारा पार्ट्स हमको दिखाई पड़ रहा है। तो भूमि के अंदर जो भी पार्ट होगा वो कहला जाएगा रूट सिस्टम, भूमि के ऊपर जो भी पार्ट होगा वो कहला जाएगा शूट सिस्टम। यहाँ पर जो हम जड़ देख रहे हैं तो कई प्रकार का जड़ है, सबसे बीच का जो मोटा वाला जड़ हमको दिखाई पड़ रहा है इसको कहते हैं प्राइमरी रूट, ये कहला गया प्राइमरी रूट, ठीक है। इसके बाद इस प्राइमरी रूट से निकलने वाले शाखा को कहते हैं सेकेंडरी रूट, इसको कह देंगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से भी जो पतला पतला ब्रांच निकल गया है उसको कह देते हैं टर्सरी रूट, इसको कहते हैं टर्सरी रूट।
और ये तीनों मिलकर के कहला जाता है रूट सिस्टम। यही तीनों मिलकर के कहलाता है रूट सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, तीनों मिलकर के कहला गया रूट सिस्टम। अब पौधा का जो भाग भूमि के ऊपर है वो कहला गया शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या हम देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पर स्टेम दिखाई पड़ रहा है, तना हमको ये स्टेम दिखाई पड़ा, ठीक है, तना दिखाई पड़ा। और तना में जहाँ से पत्ती निकलती है ये है लीफ, ये हो गया लीफ, ये पत्ती है सॉरी ये पत्ती है। अब पत्ती जहाँ से, तना के जिस भाग से पत्ती निकलती है उस भाग को हम कहते हैं नोड। जैसे इस जगह से ये पत्ती निकल गई है, इस जगह से ये पत्ती निकली है, इस जगह से ये पत्ती निकली है, तो हम इस जगह को कहते हैं नोड, ठीक है ना। ये जगह ही कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा नोड, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है नोड। और इस जगह को भी कह देंगे एक नोड, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गया, नोड हो गया, ठीक। जहाँ जहाँ से पत्ती निकलती है वो जगह कहला गया नोड। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है वो कहलाता है इंटरनोड, वो कहलाता है इंटरनोड। दो नोड के बीच का स्थान कहला जाएगा इंटरनोड। तो ये गैप कहला गया इंटरनोड, ये भी कहला गया इंटरनोड, ये भी कहला गया इंटरनोड। इसके बाद ये जो पत्ती है, पत्ती और नोड जहाँ पर है इसी जगह पर एक छोटा सा उभार हमको यहाँ देखने मिल रहा है, यहाँ भी देखने मिल रहा है, इधर भी देखने मिल रहा है। तो इस छोटे से उभार को कहते हैं एक्सिलरी बड, इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड आगे चल करके, ये जो एक्सिलरी बड है छोटा छोटा उभार कॉर्नर के पास इस जगह कोना जैसा, ये कहलाता है एक्सिलरी बड। ये आगे चल करके यदि विकसित हो गया, यदि विकसित हो गया तो ये या तो डाली बनाएगा या तो फूल बनाएगा, या तो डाली का निर्माण कर देगा यहाँ पर या तो फूल बना देगा। तो डाली को कहेंगे ब्रांच, या तो ब्रांच बनाएगा या तो फ्लावर बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, या तो डाली बना देगा या तो फूल बना देगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लावर, ये हमको फूल दिखाई पड़ रहा है, ये हमको फ्लावर दिखाई पड़ा, फूल दिखाई पड़ा, और ये एक फल है, ये हो गया फल। तो ये सब मिलजुल करके, इन सब को एक साथ मिला करके, ठीक है ना, इन सभी को एक साथ मिला करके कहते हैं शूट सिस्टम। ये मिलके कहला गया शूट सिस्टम। क्लियर आ रहा है समझ में। तो रूट सिस्टम का मतलब पौधा का जो भाग भूमि के अंदर होगा उसी को कहेंगे रूट सिस्टम, और शूट सिस्टम का मतलब पौधा का जो भाग भूमि के ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे शूट सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से जड़, तना, पत्ती, आज का जो हमारा टॉपिक है ना ये है हमारा जड़। आज हम लोग जड़ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि जड़ क्या है, ठीक है ना, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया रूट, रूट यानी कि जड़। जड़ को ही हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ होता क्या है, ठीक है, जड़ क्या है। तो एक बीज का साइड से एक छोटा सा बीज का फिगर बना रहे हैं, ये मान लिया कि ये बीज है। बीज में दो नुकीला स्ट्रक्चर होता है छोटा छोटा, बीज में दो नुकीला स्ट्रक्चर होता है, और हम इस नीचे वाले नुकीले स्ट्रक्चर को कहते हैं रेडिकल, ये कहलाता है रेडिकल, और ऊपर का नुकीला स्ट्रक्चर कहलाता है प्लूमुल, ऊपर का नुकीला स्ट्रक्चर कहलाएगा प्लूमुल। जब एक बीज अंकुरित होता है तो वो दो तरफ से अंकुरित होता है, पहले नीचे वाला भाग अंकुरित होगा, रेडिकल अंकुरित होगा और बना देगा जड़, और उसके बाद ऊपर का नोक अंकुरित होगा और वो यानी कि प्लूमुल अंकुरित होता है और बना देता है तना और पत्ती। रेडिकल विकसित होकर के रूट सिस्टम का निर्माण करता है। रेडिकल जब अंकुरित होता है ना तो इससे बन जाता है रूट सिस्टम और इससे बन जाता है शूट सिस्टम, ठीक है ना। रेडिकल से बनता है क्या, रूट सिस्टम, इससे बनेगा रूट सिस्टम का निर्माण होता है,
रूट सिस्टम का निर्माण हो जाता है, और पुलमूल से किसका निर्माण होगा, सूट सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है ना, पुलमूल से किसका निर्माण होगा, सूट सिस्टम का निर्माण होता है, सूट सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, तो बीज का निर्माण, बीज जो है, बीज से, बीज के रेडिकल से रूट का निर्माण होगा, जड़ का निर्माण होगा, और सिर्फ बीज के रेडिकल से ही जड़ नहीं बनता है, पौधा के दूसरे तीसरे भाग से भी जड़ का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बरगद के पेड़ में डाली से जड़ लटक आता है, ठीक है ना, डाली से जड़ लटक आता है। गन्ना के पौधा में, मक्का के पौधा में, मकई के पौधा में हमको तना के नोड से भी जड़ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे से भी जड़ हमको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि जड़ का निर्माण बीज के रेडिकल से भी हो सकता है और पौधा के किसी अन्य भाग से भी हो सकता है, और जड़ का लक्षण होता है कि वह हमेशा जमीन में नीचे की ओर ही वृद्धि करेगा, वह जमीन में हमेशा नीचे की ओर ही धंसेगा। तना का लक्षण होता है वो हमेशा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, और जड़ का लक्षण होता है कि वो हमेशा प्रकाश से विपरीत दिशा में वृद्धि करेगा। ऊपर से धूप आएगा तो जड़ हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में यानी कि जमीन के अंदर ही वृद्धि करता है, और जड़ जमीन को जकड़ करके, कस करके, जकड़ करके पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। अगर पौधा में जड़ ना हो तो पौधा जमीन पर सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। ताड़ का गाछ कितना लंबा लंबा होता है ना, अगर उसमें जड़ ही ना हो तो क्या उस तरह से जमीन पर सीधा खड़ा रह सकता है, नहीं रह सकता है। आम, पीपल, कोई भी पौधा है, अगर उसमें जड़ नहीं है तो जमीन पर वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। तो जड़ का एक मुख्य काम है कि वो जमीन पर पौधा को सीधा खड़ा रखता है, हालांकि जल और खनिज लवण को भी जमीन से अवशोषित करने का काम करता है। तो हम कहते हैं पौधा का वह भाग, जड़ का परिभाषा बोलेंगे, रूट का परिभाषा बोलेंगे, पौधा का वह भाग जिसका निर्माण बीज के रेडिकल या पौधा के किसी अन्य भाग से होता है, पौधा का वह भाग जिसका निर्माण बीज के रेडिकल या पौधा के किसी अन्य भाग से होता है, और वह भूमि में अंदर की ओर वृद्धि करके भूमि को जकड़कर पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, तो उसे ही रूट कहते हैं, उसे ही जड़ कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, बीज के रेडिकल से या किसी अन्य भाग से होता है, और यह भूमि में धसकर पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जड़ का हम लोग प्रकार देख लेते हैं, जड़ का टाइप्स, ठीक है ना, जड़ का प्रकार। जड़ होता है तीन प्रकार का, जड़ होता है तीन प्रकार का। एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट, और तीसरा होता है फाइबरस रूट, तीसरा होता है फाइबरस रूट। जड़ तीन प्रकार का होता है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइबरस रूट। ठीक है, टैप रूट हम किसको बोलेंगे, वैसा जड़ जिसका निर्माण रेडिकल से होता है, जिसका निर्माण किससे होता है, बीज के रेडिकल से। बीज के रेडिकल से बनने वाले जड़ को कह देते हैं टैप रूट। जैसा कि हमको कोई भी पौधा का, जब बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाएगा, जैसे आम का गुठली अंकुरित होकर के नया पौधा बना लिया, ठीक है ना, अमरूद का बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बना लिया, तो जब बीज अंकुरित होकर के नया पौधा का निर्माण करता है तो बीज के रेडिकल के अंकुरण से बनने वाले जड़ को कह देते हैं टैप रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट क्या है, बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से बनने वाले जड़ को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि हम बरगद के पेड़ में देखते हैं, हमको बरगद का जैसे बड़ा सा पेड़ है,
तो बरगद के पेड़ में इसकी इसका जो बड़ा बड़ा डाली होता है, लंबा लंबा डाली होता है, ऊपर से जड़ से निकलता है, झूलता हुआ लटकता हुआ जड़ निकलता है, और जड़ धीरे धीरे नीचे को वृद्धि करते करते जमीन में धस जाता है, और धस करके एक खंभा के समान काम करेगा। चूँकि बरगद का डाली बड़ा बड़ा होता है, भारी भड़कम होता है, तो वजन से इसका डाली टूट सकता है, झुक सकता है, टूट सकता है, तो डाली टूटे नहीं। इसके लिए ये अपना व्यवस्था खुद से कर लिया कि डाली से ही नीचे जड़ निकाल दिया, और ये जड़ धीरे धीरे वृद्धि करते करते लटकते लटकते जमीन में धस जाएगा, और धस करके एक खंभा जैसा काम करेगा, और इस बड़े डाली को टूटने से बचा लेगा, झुकने से बचा लेगा। तो ये जो जड़ है ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है ना। ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, अब पत्ती के किनारे से जड़ निकल जाता है, छोटा सा पौधा भी निकल जाता है। तो बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से बनने वाले जड़ को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। पौधा के अन्य भाग से, बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से बनने वाले जड़ को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसका एक एग्जांपल तो हो जाएगा बरगद, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसका मक्का, मकई में जैसे ये मकई है, तो मकई का ये नोड है, तना है मकई का, तो इस नोड से भी ऐसे ऐसे जड़ निकलता है, और ये जड़ जमीन में जा करके धस जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मकई का जो टैप रूट होता है वो अविकसित होता है, मकई का टैप रूट छोटा रह जाता है, और वो टैप रूट आंधी तूफान में पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा नहीं रख सकता है, इसलिए मकई के तना के नोड से एडवेंटिशियस रूट निकलता है, और ये जड़ जाके जमीन में धस जाएगा। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों मिलजुल करके पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में हेल्प कर देता है। तो वैसा जड़ जो कि बीज के रेडिकल से बनता है उसी को कहते हैं टैप रूट, और वैसा जड़ जिसका निर्माण बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग जैसे कि तना से बन जाता हो, पत्ती से बन जाता हो, तो हम ऐसे जड़ को कह देते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसके बाद अगला है फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट जो है ये खुद एडवेंटिशियस रूट ही होता है, वह एडवेंटिशियस रूट जो कि रेशेदार होता है। फाइब्रस मतलब क्या, रेशा, रेशा के समान। वह एडवेंटिशियस रूट जो कि रेशेदार होता है उसी को हम कह देते हैं फाइब्रस रूट। वह एडवेंटिशियस रूट जो रेशा के समान होता है उसी को कहते हैं फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट हमको देखने मिलता है किसमें, हमको देखने मिलता है गेहूं में, प्याज में, लहसुन में, ठीक है ना। अबे गेहूं का फिगर बना करके दिखा रहे हैं, ये है जमीन का सतह, एक गेहूं का दाना यहाँ पर बोया गया, गेहूं का दाना अंकुरित हुआ, तो जब बीज के अंकुरण से जड़ निकलेगा तो ये होगा टैप रूट, और धीरे धीरे ऊपर गेहूं का पौधा बन जाएगा, गेहूं का इस तरह से जो है ना पौधा बनेगा। लेकिन गेहूं के बीज के अंकुरण से जो टैप रूट निकलता है वह छोटा रह जाता है, वह अविकसित रह जाता है। अगर कोई शाकाहारी जानवर आए जैसे कि गाय, बकरी, इस तरह से कोई जानवर आए और इस पौधा को, गेहूं के पौधा को खाने का कोशिश करे, तो जैसे मुंह से इसके पौधा को पकड़ कर इसे खींचने का कोशिश करेगी, माना कि कोई बकरी आती है और इसके पौधा को खाने का कोशिश करती है, चूँकि इसका जड़ अविकसित है, ज़मीन को बढ़िया से जकड़ा नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा पौधा ही ज़मीन से उखड़ जाएगा। तो पौधा ज़मीन से उखड़े नहीं, इसके लिए ये पौधा क्या व्यवस्था किया, ये जो पौधा है ये अपने तना के निचले भाग से ये जो तना का कुछ कुछ भाग जमीन के अंदर भी होता है, तो वहाँ से रेशेदार जड़ निकाल दिया, इस तरह से रेशा जैसा जड़ बना दिया, रेशेदार जड़, अब दिखाई पड़ रहा है ना, रेशा के समान जड़ बना दिया, और ये रेशेदार जड़ एडवेंटिशियस रूट ही होता है। अब ये जमीन को जकड़ लेगा जोर से, अब कोई गाय बकरी अगर आकर के इसको खाने का कोशिश करती है, तो अगर माना कि आधा पार्ट को अगर खाया गया, यहाँ से अगर आधा पार्ट को इसे खाया गया,
तो आधा पार्ट ही टूट करके अलग होगा, पौधा जमीन से उखड़ नहीं सकता क्योंकि ये रेशेदार जड़ जमीन को बढ़िया से जकड़ चुका है। तो जब एडवेंटिशियस रूट रेशेदार होता है तो हम उसी को कहते हैं फाइबरस रूट। और इसका एग्जाम्पल है क्या, गेहूँ, प्याज, लहसुन। प्याज और लहसुन में भी जो जड़ होता है ना, रेशेदार जड़ होता है। तो तीन प्रकार का जड़ हो गया, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइबरस रूट। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है रीजन ऑफ रूट, जड़ के क्षेत्र या जड़ के प्रदेश, यानी कि जड़ का कौन कौन सा भाग होता है। रीजन ऑफ रूट का मतलब है जड़ का कौन कौन सा क्षेत्र होता है, कौन कौन सा भाग होता है। तो ये एक जड़ है, ठीक है ना, एक जड़ का इसी तरह का बनावट होता है। तो जड़ का होता है मुख्य रूप से चार भाग, जड़ का चार क्षेत्र होता है। कौन कौन सा, तो जड़ का जो सबसे निचला भाग होता है, सबसे निचला भाग जो होता है वहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक टोपी के समान रचना होता है और हम इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं रूट कैप। इसको कहते हैं रूट कैप। जड़ का सबसे निचला भाग एक टोपी के समान रचना से ढका होता है और इस टोपी जैसे रचना को हम कहते हैं रूट कैप। रूट कैप जड़ की उस समय सुरक्षा करता है जब जड़ जमीन में वृद्धि कर रहा होता है। जब जड़ जमीन में वृद्धि करता है तो जमीन तो ऐसे ठोस जमीन है, अब उसमें जड़ लगातार वृद्धि करते जाता है तो एक नुकीला स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि जड़ की कोशिका का सुरक्षा कर सके, जड़ के सेल्स का सुरक्षा कर सके। तो उसके लिए एक रूट कैप लगा होता है, एक नुकीला टाइप का एक रूट कैप लगा होता है और ये जड़ के रूट के सेल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नहीं तो हार्ड जमीन में जब जड़ का सेल्स ऐसे डिवीजन कर करके जड़ का सेल्स नीचे को वृद्धि करेगा तो जड़ का सेल्स टूटने फूटने लगेगा। उसको जगह प्रदान करने के लिए कि वो जड़ जमीन में आसानी से धस सके एक नुकीले स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और वही नुकीला स्ट्रक्चर होता है रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर कुछ मिलीमीटर का, 2 से 3 मिलीमीटर एकदम छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट होता है जो कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, ठीक है ना। रूट कैप के जस्ट ऊपर का छोटा सा पार्ट कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। इस क्षेत्र की सेल्स काफ़ी छोटी होती है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं काफ़ी छोटी होती है। इन सेल्स का जो सेल वाल होगा वो पतला टाइप का होगा और ये सेल्स बार बार विभाजन कर रही होती है। यहाँ की कोशिकाएं काफ़ी तेज गति से विभाजन करती है, नई कोशिकाएं जो बनती है वो नीचे की ओर बनती है। ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है, छोटा छोटा गोल गोल टाइप का हम सेल्स बनाए हुए हैं, यहाँ का सेल्स बार बार विभाजन करेगा, नया नया सेल्स बनेगा, नया सेल्स नीचे की ओर बनता है और रूट कैप लगातार नीचे को खिसकते जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का सेल्स विभाजन करेगा, नया नया सेल्स नीचे को बनेगा और रूट कैप लगातार नीचे की ओर धसते चला जाता है और इस तरह से जड़ की थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है इसके ऊपर का सेल्स लगातार पुराना होते जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का ऊपर का जो सेल्स है ना वो लगातार पुराना होते जाता है, नया सेल नीचे बनते जाएगा तो ऊपर का जो पुराना सेल होता है वो लंबाई में वृद्धि कर लेता है। अभी यहाँ ऊपर का जितना सेल्स हम बनाए हुए हैं सब लंबा लंबा सेल्स है ना, तो रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का जब सेल पुराना होता है तो ये सब सेल खींचा जाता है, लंबाई में से बढ़ जाता है और लंबाई में जब सेल बढ़ जाएगा तो लंबा लंबा सेल हो जाएगा और लंबा लंबा सेल वाला जो जगह होता है ना हम इसको कहते हैं रीजन ऑफ
इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब ही होता है लंबा हो जाना, ठीक है। पहले ये सेल कभी रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का सेल्स कहला रहा था, लेकिन जब इसका सेल लगातार विभाजन करते गया, नया नया सेल नीचे कुर बनते गया, रूट कैप नीचे कुर खिसकते गया, ऊपर का सेल पुराना होते गया, तो पुराना होने के बाद वो सेल लंबा हो जाता है, खींचा जाता है, और जैसे ही लंबा होता है वो लंबा लंबा सेल वाला जो जगह है ना वो कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ही वजह से जड़ की लंबाई में ज़्यादातर वृद्धि होती है। जड़ जो वृद्धि करता है तो ऐसा नहीं कि रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन करता है तो जड़ की लंबाई बढ़ती है। कोशिका विभाजन करने से जड़ की लंबाई बहुत बहुत कम बढ़ती है। जड़ जो लंबा होता है ना वो सेल इलोंगेशन के कारण, कोशिका दीर्घन कहते हैं, कोशिका लंबाई में वृद्धि करती है, और जब कोशिका खींच जाती है, कोशिका लंबी हो जाती है, तो जड़ की भी लंबाई बढ़ जाती है। तो याद रखना है कि जड़ की जो लंबाई बढ़ती है वो कोशिका के लंबा हो जाने के वजह से जड़ की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद अब इसके ऊपर का जो और सेल्स होता है वो और पुराना हो जाएगा। इस फिगर में जो सेल जितना ऊपर उतना पुराना, जो सेल जितना नीचे उतना नया। तो सबसे पुराना वाला सेल, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपरी भाग का सेल्स ज़्यादा पुराना होते जाता है, और जितना पुराना होगा उसका सेल वाल उतना मोटा होते चला जाएगा। तो जैसे ही रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपरी भाग का सेल पुराना होता है तो सेल वाल कैसा हो गया, मोटा। यहाँ पर दो लेयर जो सेल का हम बनाए हैं, सेल वाल मोटा मोटा दिखाई पड़ रहा है। इस मोटा मोटा जो सेल वाल है, इस क्षेत्र को हम कह देते हैं रीजन ऑफ मैच्यूरेशन कहते हैं। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, इस क्षेत्र में सबसे पुराना सेल्स होता है, इसका सेल वाल काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन के पास से हमको बहुत सारा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकला हुआ हमको दिखाई पड़ता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल सेल है, ये फिर एक सिंगल सेल है, तो सिंगल सिंगल बहुत सारा हमको सेल्स दिखाई पड़ता है, और इस सेल्स को हम कहते हैं रूट हेयर्स, इसको कहा जाता है रूट हेयर्स कहते हैं, और ये होता है यूनिसेल्युलर। रूट हेयर्स कैसा होता है, यूनिसेल्युलर। तो रूट हेयर्स जो होता है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। रूट हेयर्स का क्या काम है, तो यह वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज लवण को जमीन से अवशोषित करने का काम करता है। जड़ का क्या काम है, जड़ का मेन काम है जमीन से वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करना। तो जड़ का कौन सा भाग जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करेगा, वो होता है रूट हेयर्स। यही रूट हेयर्स जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और ऊपर की ओर भेज देगा। ये सब पार्ट जमीन से जल खनिज लवण को अवशोषित नहीं करता है, ये रूट हेयर्स ही जमीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। रूट का कार्य हम इधर नहीं बताए थे, अगर रूट के फंक्शंस की हम बात करें, जड़ के फंक्शंस की बात करें तो जड़ का पहला काम है कि यह भूमि को जकड़कर पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, यह भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। तीसरा, कभी कभी जड़ भोजन का संचय करेगा, कभी कभी जड़ भोजन को अपने अंदर में जमा करके रख लेता है। जैसे गाजर, मूली, ये जड़ होता है,
लेकिन इसमें भोजन जमा हो जाता है, फूल जाता है, खाने योग्य हो जाता है और हम लोग इसको खाते हैं। तो जड़ का एक काम है कि यह जमीन को जकड़ करके पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में हेल्प करेगा। यह जल और खनिज लवण को भूमि से अवशोषित करता है और कभी कभी जड़ भोजन को संचित करके रखता है। तो जड़ का कितना क्षेत्र हो गया? चार क्षेत्र। पहला रूट कैप, दूसरा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, तीसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन, चौथा रीजन ऑफ मैचुरेशन। जड़ का सबसे निचला भाग जो होता है वहाँ एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है रूट कैप। रूट कैप जड़ की तब सुरक्षा करता है जब जड़ भूमि में वृद्धि कर रहा होता है। रूट कैप के जस्ट ऊपर का छोटा सा पार्ट कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार विभाजन करती है, नई कोशिकाएं नीचे कोर बनेगी, पुरानी कोशिकाएं ऊपर रहेगी और रूट कैप लगातार नीचे खिसकते जाता है, जमीन में धंसते जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पर सेल खींचा खींचा के लंबा हो जाता है, इस क्षेत्र को कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। जब रीजन ऑफ इलोंगेशन का सेल और पुराना हो जाता है उसका सेल वाल मोटा मोटा हो जाएगा और ये मोटा सेल वाला क्षेत्र कहलाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही एक कोशिकीय यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकला रहता है, धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है जो कहलाता है रूट हेयर्स और इसका काम है जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करना। क्लियर? आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ के रूपांतरण, ठीक है ना। जड़ का जो बनावट होता है, जड़ अपने मूल काम जो जड़ का मुख्य काम होता है उससे कुछ अलग टाइप का काम करने के लिए जड़ कभी कभी अपने रूप में करता है परिवर्तन। जड़ एक सामान्य जड़ जैसा होता है ना, वह कुछ अलग कुछ स्पेशल टाइप का काम करने के लिए जड़ अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है और हमको लगता नहीं है कि ये जड़ है। अब जब हम लोग गाजर खाते हैं तो कभी सोचते हैं कि हम लोग जड़ खा रहे हैं? नहीं सोचते हैं, क्योंकि जड़ का जो एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में सेट रहता है कि जैसे अमरूद का जड़ होता है, आम के पौधा का जड़ होता है, उस तरह का तो जड़ हमको गाजर में दिखता है नहीं। हमको तो बस गाजर खाने लायक लगता है, हम उसको खा लेते हैं। गाजर जड़ होता है, मूली जड़ होता है, ठीक है ना, सलजम जड़ होता है। तो कई बार क्या होता है कि जड़ कुछ अलग टाइप के काम को करने के लिए अपने रूप में कर लेता है परिवर्तन, और जब जड़ अपना रूप बदल लेता है तो हम इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ का रूपांतरण। तो यहाँ जड़ का रूपांतरण हम लोग तीन प्रकार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं भोजन जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण। भोजन जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण, भोजन जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण। अब ये जो भोजन जमा करने के लिए टैप रूट रूपांतरित होता है वो तीन तरीके से रूपांतरित होता है। अभी हम लोग टैप रूट पढ़े ना, बीज के रेडिकल से बनने वाले जड़ को कहते हैं टैप रूट। तो टैप रूट कभी कभी अपने अंदर भोजन जमा कर लेता है और भोजन जमा करके टैप रूट फूल जाता है। अब फूल जाएगा तो देखने में लगेगा नहीं कि जड़ है, लेकिन वो वास्तव में जड़ ही होता है। चूँकि भोजन जमा रहता है तो हम उसको खाने में यूज कर सकते हैं। तो भोजन जमा करने के लिए टैप रूट जो रूपांतरित होता है वो तीन तरीके से रूपांतरित होगा। कौन कौन? तो एक होता है फ्यूजी फॉर्म रूट, दूसरा होता है नेपी फॉर्म रूट, और तीसरा होता है कोनिकल रूट। एक फ्यूजी फॉर्म रूट, दूसरा नेपी फॉर्म रूट, तीसरा हो गया कोनिकल रूट। यह है क्या, थोड़ा थोड़ा फिगर बनाते हैं, है ना, फिगर बना देते हैं। फिगर ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बोर्ड पे तो फिगर ही नहीं बनता है ठीक से। ठीक है, कोशिश करते हैं फिगर बनाने का। ये है मूली, ठीक है ना, ये क्या है, मूली है। और एक और फिगर बनाते हैं,
यह है सलजम, यह है सलजम, है ना, यह है सलजम। एक और फिगर बनाते हैं, यह है गाजर, यह है गाजर, ये हो गया सलजम और ये हो गया गाजर, ठीक है ना। रेडिश, टर्निप और कैरोट, ठीक है। तो मूली, सलजम और गाजर का जो पार्ट खाया जाता है ये जड़ होता है, इसके ऊपर जो छोटा सा तना होगा, पत्ती सब होती है ना, तो पत्ती में भोजन बना प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और उसके जड़ में आकर के भोजन जमा हो गया, जड़ फूल गया, जड़ फूल गया, खाने योग्य बन गया, चूँकि इसमें खाद्य पदार्थ भर गया है, भोजन भर गया है, और इसका बनावट कैसा कैसा हो गया। तो जड़ यहाँ पर मूली का बनावट ऐसा होता है कि मूली का बीज का भाग होता है मोटा, दोनों छोर होता है पतला, मूली में बीज का भाग होता है मोटा, दोनों छोर होता है पतला। सलजम में ऊपर का भाग होता है मोटा और नीचे अचानक से हो जाता है पतला, और गाजर में ऊपर का भाग होता है मोटा और नीचे धीरे 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 हो जाता है पतला। तो भोजन जमा करने के लिए टैप रूट तीन तरीके से रूपांतरित होता है। एक हो गया फ्यूजी फॉर्म रूट, बोलेंगे वह जड़ जिसके बीज का भाग मोटा और दोनों छोर पतला होता है, उसे हम फ्यूजी फॉर्म रूट कहते हैं, एग्जांपल हो गया मूली। दूसरा है नेपी फॉर्म रूट, वह जड़ जिसके ऊपर का भाग मोटा और नीचे अचानक से पतला हो जाता है, उसे हम नेपी फॉर्म रूट कहते हैं, इसका एग्जांपल हो गया सलजम। और तीसरा है कोनिकल रूट, वह जड़ जिसके ऊपर का भाग मोटा और नीचे धीरे धीरे पतला हो जाता है, उसको कहते हैं कोनिकल रूट, एग्जांपल हो गया गाजर। यहाँ ध्यान में रखना है कि मूली किस प्रकार के जड़ का एग्जाम्पल है, तो बोलेंगे फ्यूजी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल है। नेपी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो सलजम होता है। कोनिकल रूट का एग्जाम्पल क्या होता है, गाजर होता है। तो ये हुआ एक नंबर में भोजन जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण। दूसरा टॉपिक, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर में देखते हैं भोजन जमा करने के लिए, भोजन जमा करने के लिए एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण, एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण, ठीक है ना, एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण। एडवेंटिशियस रूट का मतलब वह जड़ जिसका निर्माण बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से होता है, उसी को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट भी भोजन जमा करके दो तरीके से रूपांतरित होता है, एक कहलाता है ट्यूबरस रूट और दूसरा कहलाता है फेसिकुलेटेड रूट। एक कहलाता है ट्यूबरस रूट, दूसरा कहलाता है फेसिकुलेटेड रूट, ठीक है। फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ठीक है। तो ये जमीन का सतह है, ये शकरकंद का पौधा होगा और नीचे जड़ में भोजन जमा हो गया और ये बन गया शकरकंद, ठीक। एक होता है डहलिया, एक डहलिया होता है, तो डहलिया में भी जड़ में शकरकंद के ही समान बैठता है, लेकिन गुच्छा के रूप में रहता है, गुच्छा के रूप में रहेगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो गया शकरकंद, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। और इसका एग्जांपल होता है डहलिया, डहलिया, डहलिया फूल होता है, बड़ी खूबसूरत फूल होता है, और उसके जड़ का तो लगभग हम लोग यूज करते हैं नहीं, लेकिन डहलिया पौधा के जमीन को खोद करके वहाँ जो है ना जड़ को अगर देखा जाए तो वहाँ शकरकंद जैसा गुच्छा के रूप में निकला हुआ हमको ढेर सारे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। शकरकंद एक एडवेंटिशियस रूट होता है, शकरकंद एक एडवेंटिशियस रूट होता है, इसमें भोजन जमा हो जाएगा और ये शकरकंद अनियमित आकृति का हो जाता है।
टेढ़ा मेढ़ा हम शकरकंद के आकृति को कुछ फिक्स आकृति नहीं कह सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का होता है। आलू को तो फिर भी हम लोग गोल मान के चल सकते हैं, लेकिन कि जैसे भी हम लोग मूली के खास स्ट्रक्चर को देखें कि बीच का भाग मोटा, दोनों छोर पतला, सलजम ऊपर मोटा नीचे अचानक पतला, गाजर ऊपर मोटा नीचे धीरे धीरे पतला, लेकिन कि यहाँ पर शकरकंद में कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, तो इसका कोई फिक्स आकृति है नहीं। तो जब एडवेंटिशियस रूट, जब एडवेंटिशियस रूट भोजन जमा करके अनियमित आकृति का हो जाता है तो हम उसी को कहते हैं ट्यूबरस रूट। जब एडवेंटिशियस रूट भोजन जमा करके अनियमित आकृति का हो जाता है तो उसी को कहते हैं ट्यूबरस रूट, और इसका एग्जाम्पल है शकरकंद, ठीक है। और वह एडवेंटिशियस रूट जो कि बिल्कुल ट्यूबरस रूट के ही समान होता है लेकिन कि गुच्छा के रूप में रहता है, जब एडवेंटिशियस रूट बिल्कुल किसके समान हो, ट्यूबरस रूट के समान हो लेकिन कि गुच्छा के रूप में रहे, तो इस गुच्छा वाले ट्यूबरस रूट को ही हम कह देते हैं फेसिकुलेटेड रूट, और इसका एग्जाम्पल होता है डहलिया। डहलिया का फूल होता है, फूल का पौधा होता है, और उसके नीचे का जड़ इसी तरह से शकरकंद के समान गुच्छे के रूप में बना रहता है, उसको बोलते हैं फेसिकुलेटेड रूट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। एक तीसरा पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे, पौधे को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण। यांत्रिक सहारा का मतलब होता है गिरने से बचाने के लिए, ठीक है ना, पौधा झुक ना जाए, पौधा गिर ना जाए, इससे बचाने के लिए, यानी कि यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण भी तीन तरीके का होता है, ठीक है ना। एक होता है प्रॉप रूट, ठीक है, दूसरा होता है स्टील रूट, और तीसरा होता है क्लिम्बिंग रूट, ठीक है। प्रॉप रूट, स्टील रूट, क्लिम्बिंग रूट, ये क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि बरगद का पेड़ बड़ा सा पेड़ होगा, बड़ा बड़ा डाली होगा, मोटा सा होगा, भारी भरकम होगा, तो बरगद का जो डाली है वो वजन से टूट सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है। तो इसमें क्या होता है, डाली से ऊपर से जड़ निकल जाता है, डाली के ऊपर से जड़ निकल जाएगा, और ये जड़ नीचे आकर के ज़मीन में से धस जाता है, और धस करके मोटा सोटा होकर के खंभा जैसा काम करता है, और खंभा जैसा काम करेगा और इस डाली को अब जल्दी गिरने नहीं देता है, टूटने से बचा लेता है। तो वैसा जड़ जो कि पेड़ की डाली से निकल करके जमीन में धस जाता है और इस डाली को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ऐसे जड़ को ही हम कहते हैं प्रॉप रूट। और प्रॉप रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, बरगद हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है ना, बरगद हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है। वैसा जड़ जो कि पेड़ की डाली से निकल करके भूमि में धस जाता है और पौधे को, डाली को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसी को कहते हैं प्रॉप रूट। एग्जाम्पल क्या हो गया, बरगद। दूसरा है स्टील रूट। स्टील रूट हमको गन्ना और मक्का में देखने मिलता है, ये मकई का पौधा है, पत्ती वगैरह सब हम अभी नहीं बना रहे हैं, गन्ना या मक्का का पौधा है। इसका जो अगर ये मक्का है तो मक्का में टैप रूट होगा और वो छोटा रहेगा, तो इसके नोड से इसे जड़ निकलता है और नोड से जड़ निकल करके ज़मीन में से धस जाता है, हम इस तरह के जड़ को कह देते हैं स्टील रूट, ये कहला गया स्टील रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मक्का, मेज़, ठीक है ना, गन्ना, सुगर केन, ठीक है। वैसा जड़ जो कि तना के
आधारीय भाग के नोड यानी तना के निचले भाग के नोड से निकलकर भूमि में धस जाता है और पौधा को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसी को कहते हैं स्टील रूट। मक्का और गन्ना हो गया एग्जांपल। अगला है क्लिम्बिंग रूट। तो क्लिम्बिंग रूट बनाने के लिए हमको एक दीवार का फिगर बनाना पड़ेगा। तो माना कि जो है ना ये दीवार है, ईटा का हम फिगर इसमें बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ईटा का फिगर, ये दीवार है और इसके पास में कोई आम का, ये सॉरी आम नहीं, पान या मनी प्लांट, पान या मनी प्लांट का यहाँ पर कोई पौधा है, पान या मनी प्लांट का कोई पौधा है और उसकी ये सब पत्तियाँ हैं, पान या मनी प्लांट का ये पौधा है, ठीक है ना, पान या मनी प्लांट का ये पौधा है और उसकी ये सब पत्ती है। तो ये जगह हो गया इसका नोड, ये भी जगह हो गया नोड, ये भी जगह हो गया नोड, ये भी जगह हो गया नोड। तो चूंकि पान का जो पौधा होता है वो लत्तर टाइप का होता है, इसका तना कठोर नहीं होता है, पान का पौधा, मनी प्लांट का पौधा, इसका तना लत्तर टाइप का होगा, उतना कठोरतापन इसमें नहीं होता, लचीला होता है तना। तो ये जब तक किसी आधार का सहारा नहीं लेगा, जब तक ये किसी और या तो किसी खंभा से लिपट जाए या किसी दीवार पर चिपक करके उसके ऊपर चढ़े तभी ये ऊपर चढ़ सकता है, और बिल्कुल खुला जगह में अगर रहे पान का पौधा जमीन पर लेट करके वृद्धि करेगा, ठीक है, इसका पत्ता सफ़ेद खराब होने लगता है। तो ये पान का पौधा है और ये पौधा ऊपर को कैसे चढ़ेगा, तो माना कि किसी दीवार से सटा हुआ ये पौधा है तो दीवार पर ये चढ़ने का कोशिश कर रहा है, इसके नोड से कुछ जड़ ऐसे निकलता है और जड़ निकल करके दीवार में धस जाता है, ये जड़ निकल करके दीवार में धसते जा रहा है, ये जड़ निकल करके इसके दीवार में धसते जा रहा है, ये जड़ दिखाई पड़ रहा है, यही जड़ कहलाता है क्लिम्बिंग रूट, ठीक है, ये जड़ कहला गया क्लिम्बिंग रूट। वैसा जड़ जो कि तना के नोड से निकलकर किसी आधार किसी दीवार में धस जाता है और पौधा को दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ने में मदद करता है तो हम इस जड़ को कहते हैं क्लिम्बिंग रूट। तो इस क्लिम्बिंग रूट को धसा दिया गया दीवार में और ये पौधा दीवार से चिपक चिपक करके धीरे धीरे ऊपर की ओर ये वृद्धि करेगा, चढ़ेगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया पौधा को। इसका एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल है, एक तो हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया पान, बीटल है ना, एक बोल देंगे मनी प्लांट, मनी प्लांट होता है इसी तरह का होता है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो हम लोग तीन प्रकार का जड़ का रूपांतरण पढ़ लिए, हम लोग तीन प्रकार का जड़ का रूपांतरण पढ़ लिए, कुछ और जान लेना है। ब्रायोफिलम में, ठीक है ना, ब्रायोफिलम में रूट लीफ रूट निकलता है, लीफ रूट इसके पत्ती से जड़ निकल जाता है, यह है ब्रायोफिलम की पत्ती, यह है ब्रायोफिलम की पत्ती, ठीक है ना, ब्रायोफिलम की ये पत्ती है और ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे से जड़ ऐसे निकलेगा और छोटा पौधा निकल गया, जड़ निकला छोटा पौधा निकला, जड़ निकला छोटा पौधा निकला, जड़ छोटा पौधा, जड़ छोटा पौधा, जड़ पीछे तरफ होगा छोटा पौधा, पीछे तरफ जड़ होगा छोटा पौधा है। तो ब्रायोफिलम की पत्ती में, ब्रायोफिलम की ये पत्ती है और इसके पत्ती के किनारे से जो जड़ निकला है ये जड़ कहलाता है क्या, लीफ रूट। और धीरे धीरे ब्रायोफिलम की पत्ती, ये मेन पत्ती जो है ये पौधा से टूट जाती है और ये जमीन में गिर जाती है, धीरे धीरे ये बड़ी वाली पत्ती सड़ गल जाएगी और छोटा छोटा जो पौधा किनारे से निकला हुआ है सब जमीन में स्थापित हो जाता है, नया नया ढेर सारा पौधा बन जाता है। तो ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे वाले भाग से जो जड़ निकलता है उसको क्या कहते हैं, लीफ रूट कहते हैं, ठीक है। एक बात और जान लेना है, एक पौधा होता है दलदली क्षेत्र में पाया जाता है जिसको कहते हैं राइजोफोरा, राइजोफोरा, ये दलदली क्षेत्र का पौधा होता है, दलदली, दलदली क्षेत्र का पौधा, दलदली क्षेत्र का पौधा होता है, दलदल वाला जगह में होता है, इसका जड़ जमीन के अंदर से निकल जाता है। जैसे माना
कि ये है राइजोफोरा का पौधा, ये है राइजोफोरा का पौधा और इसका ये इस तरह से नीचे जड़ होगा, इस तरह से इसका ये जड़ होगा। तो इसका जड़ जमीन के अंदर से इसे निकल जाता है, इसका जड़ जमीन के अंदर से इसे निकल जाता है, इसका जड़ जमीन के अंदर से इस तरह से निकल जाता है। और जहाँ राइजोफोरा का पौधा रहेगा उसके आसपास में जमीन से निकला हुआ जड़ दिखाई पड़ता है, तो इस जड़ को कहा जाता है, इस जड़ को जो जमीन के अंदर से निकल गया ना, इस जड़ को कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर ये रूट है, ये जड़ है। दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा होता है जिसको कहते हैं राइजोफोरा, और इसका जो जड़ होता है वो जमीन से बाहर निकल जाता है। जब जमीन से जड़ बाहर निकल जाता है इस जड़ को कहते हैं न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर कहते हैं। और ये क्यों ये जमीन से बाहर निकला? ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। जड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए। तो यह ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या हिंदी में कहेंगे श्वसन, सांस लेने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि दलदल वाला जगह में मिट्टी के अंदर में हवा नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल कोई मिट्टी है ना, तो मिट्टी में मिट्टी का कण है, मिट्टी के कण के बीच में गैप रहता है जिसमें वायु और नमी दोनों रहता है। तो नमी से पानी खींच लिया गया, ठीक है ना, और जो वायु रहता है मिट्टी के कण के बीच में जो वायु रहता है उसमें ऑक्सीजन होगा, और उस ऑक्सीजन को जड़ खींच करके अपना सांस लेने का काम करता है। लेकिन दलदली क्षेत्र में मिट्टी के कण के बीच में वायु नहीं होता है, केवल पानी होता है। दलदली क्षेत्र है ना, तो वहाँ मिट्टी के कण के बीच में केवल पानी रहता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए ये जड़ दलदली वाले क्षेत्र से ऊपर निकल जाएगा और ऊपर हवा से ये सांस लेने का काम करता है। इस तरह के जड़ को कहते हैं न्यूमेटोफोर। किस पौधा में बनता है? राइजोफोरा में बनता है। तो आज हम लोग जड़ का परिभाषा समझे, मॉर्फोलॉजी का परिभाषा समझे, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम को भी समझे, जड़ का कौन कौन सा प्रकार होता है, जड़ का कौन कौन सा क्षेत्र होता है, जड़ का टोटल रूपांतरण, यानी जड़ वाला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग तना के बारे में पढ़ेंगे, एक क्लास में, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, हम लोग मिलते हैं तना वाले टॉपिक के साथ। तब तक मन लगा पढ़ते रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।